स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन सेमी सॉलिड्स। इस फॉर्म में हम लोग ऑइंटमेंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑइंटमेंट के बेस के बारे में, सिलेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स। इसके लिए हम लोग इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे जो ऑइंटमेंट है वो प्रेपरेशंस आ रही है, बट उसमें सम फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे ऑइंटमेंट के बेस को। जो ऑइंटमेंट बेस है उसके कैसा हमारा आइडियल बेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर एंड सेकेंड इज फार्मास्यूटिकल फैक्टर। हम लोग जो पहले डिस्कस करेंगे वो है हमारा डर्मेटोलॉजिकल जो है फैक्टर। डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो, उसमें हमारे पास आगे सब डिवीजन है, सेवन टाइप के हमारे पास फैक्टर्स हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारा एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। फर्स्ट है हमारा मेथड एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे ऑइंटमेंट्स हैं क्लासिफिकेशन में, ये हमारे जो स्किन के लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस लेयर्स हैं, उनमें ये हमारे जो ऑइंटमेंट है वो इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट करेगी। इसलिए जो हमारे पास ये स्किन की जो लेयर्स हैं, जो हमारे ऑइंटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट करेगा। अगर हमारे पास एपिडर्मिस टाइप के हैं तो वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अगर हमारे पास जो है एंडोडर्मिस है तो वो क्या करते हैं, डीप लेयर तक अपना इफेक्ट शो करेंगे। हमारे पास जो अलग अलग अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है कि जब हमारे ड्रग है जो वो स्किन के थ्रू हमारे सिस्टमिक इफेक्ट शो करें हमारी बॉडी पे, उसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। जब ड्रग है जो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लेती है और अपना इफेक्ट शो करती है, वो है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास जो एनिमल फैट है और जो फिक्स्ड ऑयल है वो क्या, पेनिट्रेट मोर रेडली थ्रू द स्किन कंपेरिजन टू पैराफिन। एनिमल फैट और फिक्स्ड ऑयल है जल्दी वो जो है पेनिट्रेट हो जाते हैं स्किन में कंपैरिजन टू पैराफिन। पैराफिन क्या है, क्योंकि जो हमारा पैराफिन है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैराफिन, वो क्या हमारे ग्रीसी पार्टिकल्स का वो पेनिट्रेट इजिली हमारी स्किन में नहीं होते। द सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन बोथ ऑयल एंड वाटर आर इजिली एब्जॉर्ब। जो सब्सटेंसेस हमारे ऑयल एंड वाटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो हमारी स्किन में भी इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो हमारे ओलियोजीनियस जो बेस है, जो ग्रीसी पार्टिकल्स हैं, ग्रीसी बेस है हमारे ऑइंटमेंट बेस के, वो जल्दी हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि वो ग्रीसी होते हैं, ऑयली होते हैं, वो के हमारे स्किन के ऊपर वाली जो लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, वहाँ तक ही इफेक्ट शो कर पाते हैं। इसके बाद है सेकेंड है जो हमारा इफेक्ट ऑन द स्किन फंक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे ऑयल एंड वाटर हैं, वो जो ड्रग्स हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारी स्किन में, जल्दी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। बट जो ग्रीसी बेस है वो क्या करते हैं, हमारी स्किन में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं हमारी स्किन के फंक्शन में, हीट प्रोड्यूस करते हैं और जो है हमारे स्वेट एक्सक्रीशन है उनको इंक्रीज कर देते हैं। बट इन द केस ऑफ ऑयल एंड वाटर जो बेस है वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, उनका कोई भी
बात स्किन में कि जो हमारी स्किन है वो प्रॉपरली फंक्शन ना करे। ये सिर्फ इस केस में होता है, ओलियोजीनियस बेस है, हार्ड पैराफिन सॉफ्ट पैराफिन के केस में ही ये होगा, जिसमें हम लोग जिस ऑइंटमेंट में हम लोग ग्रीसी बेस यूज करेंगे उसमें हमारे जो स्किन के फंक्शंस में जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे जो सेक्रेशंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है मिसिबिलिटी विद द स्किन सेक्रेशंस। जैसे हमारे जो ड्रग्स हैं ऑयल इन वाटर टाइप की जो ड्रग्स हैं वो हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, जब अब्सॉर्ब हो जाएंगी उससे क्या हमारे जो ड्रग का इफेक्ट है वो सिस्टमिक इफेक्ट भी होगा और ड्रग अपनी अब्सॉर्ब भी होगी और कम ड्रग हमें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपना एब्जॉर्ब होकर जो ड्रग है ऑयल इन वाटर की वो इफेक्ट शो करेंगी। बट इन द केस ऑफ ग्रीसी बेस इसमें क्या है कि हमें ज़्यादा जो है ड्रग उसको यूज़ करना पड़ता है लोकल एरिया में जहाँ पर हमने यूज़ करना है, क्योंकि उनका जो इफेक्ट है वो कम आता है, वो हमारे जो स्किन है उसमें हीट और स्वेट एक्सक्रीशन को ज़्यादा उसमें इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या हमारी स्किन की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। बट हमारे जहाँ पर स्किन सेक्रेशंस हैं जो ग्रीसी पार्टिकल्स हैं वो क्या जब फंक्शन नहीं प्रॉपर हो पाएगा तो हमारे जो स्किन है वो हमारे प्रॉपर जो हमारे ड्रग है वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होगी। ऑयल इन वाटर में क्या जब हमारे ड्रग अब्जॉर्ब हो जाते हैं जो हमारे सेक्रीशंस है जैसे स्वेटिंग सेक्रीशंस है वो क्या हमारे उसमें ड्रग अब्जॉर्ब होगी, ड्रग अब्जॉर्ब हो जाएगी उसमें तो वो क्या हमारे बॉडी में चली जाएगी अपना इफेक्ट शो करेगी, जिससे क्या हमें कम ड्रग यूज करनी पड़ती है। जब हम ज़्यादा ग्रीसी पैराफिन वगैरह यूज़ करते हैं हार्ड या सॉफ्ट पैराफिन किसी भी ड्रग में तो वो क्या हमारा स्वेटिंग सेक्रेशन है उसमें ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होगी, उसमें भी ड्रग मिक्स नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है वो ड्रग उसका इफेक्ट लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंपैटिबिलिटी विद द स्किन सेक्रेशन। इसमें हम लोग जो हमारी स्किन की हमारी जो पीएच है उसके जैसे हमारी जो पीएच 5.5 है इतनी हमारी जो है ऑइंटमेंट उसकी भी पीएच होनी चाहिए कि हमारी जो स्किन है सेक्रेशंस है जो हमारी स्किन उस ड्रग के साथ कंपैटिबल हो, ये ना हो कि वो डिसकंफर्ट फील हो जो हमारी स्किन है इरिटेशन हो उसमें, ऐसे हमने इंग्रेडिएंट यूज नहीं करने। जो हमारे न्यूट्रल बेस है न्यूट्रल ऑइंटमेंट बेस है हम वही यूज़ करेंगे ऑइंटमेंट की सेट प्रेपरेशन में, जिससे क्या होगा हमारी जो स्किन है उनके साथ डिस्कम्फर्ट हो। अगर हम लोग जो न्यूट्रल जो बेस है वो यूज़ नहीं करते तो हमारे हम लोग अदर बेस यूज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा जिस भी एरिया पे हम लोग ड्रग को लगाएंगे अप्लाई करेंगे उसमें हमारे पास क्या इरिटेशन होने लग जाएगी, ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारी ड्रग भी प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होगी, इसलिए हमें जो स्किन की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसके सेक्रेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें जो बेस है वो यूज़ करने चाहिए, इसलिए न्यूट्रल बेस है वो भी हम ऑइंटमेंट में यूज़ करेंगे। फिफ्थ है हमारा फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट। जैसे ग्रीसी ऑइंटमेंट बेस है वो हमारे क्या बॉडी में क्या करेंगे इरिटेशन इरिटेंट प्रोड्यूस करते हैं इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उन बेसिस को कम यूज करना है, जो नॉन इरिटेंट प्रोडक्ट है वो ही हमें जो ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन में यूज करने, नहीं तो जो हमारे जैसे जो ग्रीसी पार्टिकल्स हैं हम लोग एग्जाम्पल जैसे पहले हमने बेस में पढ़ा था
कि जो हमारे व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन है, अगर हम लोग उसको आई के ऑइंटमेंट में यूज कर लें तो उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स हो सकते हैं व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन में। अगर हम लोग आई के ऑइंटमेंट में यूज करेंगे प्रेपरेशन में, तो हमारे जो आई में इरिटेशन हो सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स है। इसलिए हमें ऐसे जो ड्रग्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं, वो आई के ऑइंटमेंट या सेंसिटिव ऑर्गन्स के ऑइंटमेंट्स में यूज नहीं करने, जिससे जो इरिटेशन प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट है हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है, वो है इमोलिएंट सेक्रेशंस। इमोलिएंट एग्जाम्पल है, जैसे कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जब हम लोग उनको यूज करते हैं, उनकी जो प्रेपरेशन है उनको जब यूज करते हैं, तो वो क्या हमारे स्किन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मॉइस्ट सॉफ्टनेस, मॉइस्चर प्रोड्यूस कर देते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है, जैसे विंटर में सम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, उनके लिए जो वो क्रीम्स वगैरह या ऑइंटमेंट जो यूज़ करते हैं उससे क्या उनकी स्किन को मॉइस्चर मिल जाता है। जैसे ग्लिसरीन है, क्या मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है बॉडी में, स्किन में। इसलिए जो हमारे पास इमोलिएंट प्रॉपर्टीज है, सब हमारे जो ऑइंटमेंट बेस है, ऑइंटमेंट्स हैं, वो क्या है हमारे स्किन के लिए सॉफ्टनेस और मॉइस्चर ऑब्टेन करते हैं, उनको मॉइस्चर अप्लाई करते हैं हमारे स्किन पे, अगर हम लोग उनको जब यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ईज ऑफ एप्लीकेशन, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में फर्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज,
सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, कंसिस्टेंसी एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। ये हमारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से जैसे हमारे एनिमल और वेजिटेबल सोर्सेज हैं वो क्या है, आर प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग उसको किसी भी प्रेपरेशन में यूज करेंगे, वेजिटेबल ऑयल को और एनिमल जो हमारे सोर्सेज हैं ऑयल है उनको अगर हम लोग किसी भी ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन में यूज करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोगों को उस प्रेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ता है, एंटी ऑक्सीडेंट। ऐसे जो हमारे ऑयल इन वाटर प्रेपरेशन हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, जो ऑयल इन वाटर इमल्शंस हैं लाइक एबल इन द माइक्रोबियल ग्रोथ, उनमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हमें उसमें यूज करना पड़ता है एज अ प्रिजर्वेटिव, कि उसकी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा। उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें उसमें प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करना पड़ता है। सेकेंड है हमारे पास सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज है इसमें क्या है, जो हमारे पास प्रेपरेशन है, हम लोग सम जो कंपाउंड्स हैं जैसे मरकरी, और हमारे पास मरकरी कंपाउंड्स हैं जिनका हम लोग जो यूज करते हैं, द प्रेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मरकरी ऑइंटमेंट यूज्ड इन द जो है लिक्विड फॉर्म, यूज्ड इन द लिक्विड फॉर्म में हम लोग उनको यूज करेंगे। कीप ऑन द जो कंप्लीट जो कैम्फर है यूज्ड टू द फैट द कैम्फर इन द सॉल्यूशन फॉर्म, उनको हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ कैम्फर फॉर्म में। क्यों हम लोग इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास जैसे मरकरी है, ऑलिव ऑयल है और कैम्फर है, इसको हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म में यूज करेंगे। सॉल्यूशन फॉर्म में यूज करने का मीनिंग ये है कि ये हमारे जो प्रॉपरली इनमें सॉल्वेंट है वो मिक्स हो जाएंगे। अगर हम लोग जैसे एग्जांपल है फिनोल ले लेते हैं, फिनोल हम लोग यूज करेंगे ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन में, तो वो क्या है, जब उसको हम लोग जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसमें ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, जो ब्लिस्टर्स हैं वो बन जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी प्रेपरेशन है वो सम टाइम क्या डिटेरियोरेट हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए हमें जो सॉल्वेंट है, जो जिन केमिकल्स की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज है सॉल्वेंट फॉर्म में है, उनको हम लोग मेनली यूज करते हैं, या फिर उनको हम लोग मेल्ट करने के बाद हम लोग उनको यूज करेंगे कि वो एक जो यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए, उनमें जो हमारे फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उनमें ना रहे। अगर हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को ऐसे मिक्स कर देंगे बिना मेल्ट किए तो वो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हमारे प्रेपरेशन में रह जाएंगे, यूनिफॉर्म उसमें मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज में हमारे पास है जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम लोग वाटर की स्मॉल अमाउंट भी लेंगे उसमें भी अब्सॉर्ब हो जाएंगे, बट जो फैट्स हैं एनिमल फैट्स हैं विच कैन बी अब्सॉर्ब ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, उनको अब्सॉर्ब होने में क्या लगेगा, ज़्यादा वाटर की जो है वो नीड होती है। जैसे एग्जांपल है जो वूल फैट है वो अब्सॉर्ब हो जाता है 50% ऑफ वाटर में, वैन अगर हम लोग किसी और में इसको मिक्स करेंगे, वैन मिक्सड विद अदर जो फैट है कैन टेक सेवरल टाइम्स अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम लोग इसको किसी और में मिक्स करेंगे तो इसको जो मिक्स होने के लिए ज़्यादा वाटर की जो है क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग इसको जो है वूल फैट को अब्सॉर्ब करेंगे तो 50% ही में ही जो वाटर की नीड होगी। अगर किसी अदर जो है फैट के साथ हम लोग मटीरियल सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करेंगे तो उसमें ज़्यादा इनको वाटर की क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हमारे पास जो
सूटेबल जो कंसिस्टेंसी है, ना तो ज्यादा हार्ड होनी चाहिए हमारी ऑइंटमेंट और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर ज्यादा हार्ड होगी तो विंटर में जब हम लोग ऑइंटमेंट्स का यूज करते हैं, ज्यादा हार्ड होगी तो हमारे वो कंटेनर में से नहीं बाहर निकलेगी। अगर ज्यादा सॉफ्ट होगी समर में तो हमारे कंटेनर में से ऐसी उसकी लीकेज होती रहेगी। इसलिए प्रॉपर उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि वो हमारे समर और विंटर में जब भी हम लोग उसको यूज करें तो वो हमारे हम लोग इजिली यूज कर सके। क्योंकि हम लोग ये तो है नहीं कि सीजन के अकॉर्डिंग जो है हमारा या फिर जो हम लोग मौसम के अकॉर्डिंग उसको जो ऑइंटमेंट से प्रिपेयर करेंगे कि समर के लिए अलग फॉर्मूला होगा उसको प्रिपेयर करेंगे और विंटर के अलग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें उसकी जो सूटेबल कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है कि वो जो है इजिली हमारे जो कंटेनर में से रिमूव हो जाए। इसलिए हमें जो है जो हमारे हमारे ऑइंटमेंट बेस है, ऑइंटमेंट है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेक करके अकॉर्डिंग टू जो आईपी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये थे टॉपिक सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स के फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन को। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। सेकेंड है फ्यूजन मेथड। थर्ड है केमिकल रिएक्शन मेथड। एंड फोर्थ वन है हमारे पास इमल्सिफिकेशन मेथड। फाइन फॉर्म में
देन उसमें क्या है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, जो जितने भी इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ करेंगे उनकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें दे रखी है कि कितने कितने ग्राम या एमजी हमने वो यूज़ करना है, उन सबको हम लोग क्या मिक्स कर लेंगे ऑइंटमेंट बेस में, मिक्स करेंगे उसको ऑइंटमेंट बेस में। किसके ऊपर मिक्स करेंगे, जो हमारी ऑइंटमेंट स्लैब है उसके ऊपर हम लोग मिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट स्टेनलेस स्टील स्पैचुला। जो हमारा ऑइंटमेंट स्टेनलेस स्टील स्पैचुला है उसकी हेल्प से हम लोग ऑइंटमेंट बेस में जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को मिक्स कर लेंगे। जब हम लोग उसमें मिक्स कर लेंगे क्वांटिटी को तो वो हमारा होमोजीनियस जो मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो क्वांटिटीज है मिक्सचर की वो सारी मिक्स हो जाएंगी, तो हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड स्टेप क्या करेंगे, ट्रिचुरेट द सॉलिड मेडिकमेंट्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट मिक्सड इन द, जो हमारे पास उसके बाद हम लोग जब मिक्स कर लिया इन सबको ऑइंटमेंट बेस में, जो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी रह जाएगी, जैसे हम लोग जब मिक्स करेंगे ऑइंटमेंट बेस में फाइनली पाउडर को, तो हम लोग स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे, थोड़ी थोड़ी उसके क्वांटिटीज में हम लोग डालेंगे। जब डालेंगे तो हमारे पास वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर। उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी बच जाएगी, एड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ बेस, जो हमारे बेस मेडिकमेंट की रिमेनिंग क्वांटिटी बच जाएगी वो हम लोग उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर हमारा जो लिक्विड है वो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो हमारा ऑइंटमेंट स्लैब में मिक्स नहीं होगा। अगर लिक्विड हम कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो हमारे प्रोडक्ट है जो इंग्रेडिएंट है वो ऑइंटमेंट स्लैब में मिक्स हो जाएंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास लिक्विड है तो हम लोग इन सब को जो इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करेंगे मोटर पेस्टल में, जो आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा सिप्टिक्स में, मोटर पेस्टल में हम लोग इनको मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स करने के बाद जो हमारा बेस है, जो हमारा प्रिपेयर हो गया पेस्ट, जो ऑइंटमेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे मोटर पेस्टल में, हम लोग ट्रिचुरेशन मेथड में मोटर पेस्टल को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक इसके रीजंस हैं। फर्स्ट, जब हम लोग मोटर पेस्टल में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करेंगे लिक्विड के साथ, एक तो वो मोटर पेस्टल की साइड्स में लग जाते हैं, उनको बार बार स्क्रैप करना पड़ता है। सेकंड है, वो इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो जाते हैं, जब साइडों में हमारे जो चिपक भी जाता है जो इंग्रेडिएंट, समटाइम वो ड्राई होने लग जाता है, जिससे जो हमारी मिक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं होती। ये था हमारा जो फर्स्ट मेथड था, ट्रिचुरेशन मेथड। ये हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तीन जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।